नोएडा से है। कोरोना को लेकर पुलिस यहां पर अलर्ट है। कोरोना को लेकर पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभियान चला रही है। यहां पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। तो बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली बसों को भी यहां पर देखिए सीज कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में मैरिज होम में शादी समारोह में भी चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और इसी के साथ मास्क। दादरी और बादलपुर पुलिस यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट फिलहाल अभी नजर आ रही है और इसी के साथ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे तरीके से पालन करें लोग, इसी को देखते हुए चेकिंग की जा रही है। बसों को भी यहां पर रोका गया है जहां पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से नहीं बैठाया गया था, उन बसों को भी सीज कर दिया गया है। मैरिज होम में भी पुलिस ने जाकर चेकिंग की है और मास्क को लेकर भी चेकिंग की गई है। बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए हैं। हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़े हैं। दानिश हमारे साथ नोएडा से और लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़े हैं। सबसे पहले दानिश करू करेंगे। दानिश, नोएडा में तो जगह जगह चेकिंग की जा रही है अभी फिलहाल, क्या नए आदेश के बाद लोगों की खामियां ज्यादा सामने आ रही हैं या फिर जो प्रशासन है वो ज्यादा मुस्तैद दिख रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अब जिला प्रशासन टाइट हुआ है और सख्ती दिखा रहा है उसकी वजह है उच्चतम न्यायालय। जब न्यायालय ने परसों आदेश दिया कि अब जो 6 इन जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर जो है सख्ती करी जाए, जो मास्क है उसको लेकर जो है सख्ती करी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, खुले में जो खाना बिकता है उसको लेकर, खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसके बाद कल पूरा दिन पुलिस का सख्त दिखी। हालांकि ड्रोन जो है उड़ाने का भी आदेश था कि जो घनी बाजारें हैं वहां पर जो है ड्रोन उड़ाया जाए, हालांकि ड्रोन कल नहीं उड़ाया गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जगह जगह पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया मास्क को लेकर। और साथ ही जो मैरिज हॉल होते हैं जहाँ, क्योंकि शादियों का इस वक्त मौसम है, हर जगह जो है शादियाँ हो रही हैं तो बैंक्वेट हॉल भरे पड़े हैं, लिहाजा जो 100 लोगों की अनुमति दी गई कि सिर्फ 100 लोग ही शादी में आ सकते हैं, इसको लेकर बाकायदा पुलिस जा रही है, वहाँ पर चेकिंग कर रही है। और साथ ही जो वहाँ पर कैमरे चलते हैं, शादियों में जो कैमरे चलते हैं साफ, उन कैमरों को भी देखने के लिए पुलिस ने कह दिया है कि हाँ उन कैमरों को भी पुलिस देखेगी जो शादी समारोह चल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी दूसरी वेव आई है और उसी के साथ नोएडा में बहुत मरीज मिल रहे हैं, इसको देखते हुए जो कार्यवाही या फिर ये कह सकती ये लगातार अब कर रही है, छापेमारी करी है। अगर ये शुरुआत सही होता तो शायद इस तरीके से नहीं करना पड़ता जो अब देखने को मिल रहा है। तो कल काफी ज्यादा सख्ती करी गई है और साथ ही कमिश्नर के भी साफ आदेश है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में जितने मैरिज हॉल हैं, जितने भी बाजार हैं, जो घने बाजार हैं वहां सख्ती करें, जो एसओ है वो निकले, चौकी इंचार्ज है वो निकले और इन सब चीजों को सुनिश्चित करें कि कोई भी लापरवाही सड़कों पर देखने को न कोविड को लेकर। बिल्कुल दानिश, देखिए कुल लबुल हुआ अब ये है कि वहां पर आखिरकार जो आदेश हुआ था कोर्ट का उसके वहां पर असर हमें दिखने लगे हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, कोर्ट का आदेश लखनऊ में किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्या चेकिंग के बाद लोगों के चालान ज्यादा कटे हैं, लोग जागरूक होते आपको दिखे हैं? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह से जो है कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है और साफ कहा है कि ये जो ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का जो संक्रमण है उसके ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, तो ऐसे में जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो कल ही जो है सड़कों पर दिखाई दी हैं। देर रात तक जो है चेकिंग अभियान चलाया गया है, लोगों की गाड़ियां चेक की गई हैं, लोगों को चेक किया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनका चालान किया गया है, जो मास्क नहीं लगाए थे उनका भी चालान किया गया है, काफ़ी लोगों को बड़ी संख्या में हिदायत भी दी गई है। तो पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में काम कर रही हैं और कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की थी, क्योंकि राजधानी लखनऊ में अगले 24 घंटों की बात करें तो 325 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित संख्या में पाए गए हैं। इसके अलावा 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, हालांकि 196 लोग ऐसे भी हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की, उसको लेकर के सरकार जो है लगातार जो है सख्ती दिखाई दे रही है। जो स्वास्थ्य टीमें हैं वो भी बना दी गई हैं, ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में लगातार टीमें काम कर रही हैं, जो सैंपलिंग है वो लगातार की जा रही है। कल खुद स्वास्थ्य मंत्री जो है कोरोना जो टोल प्लाजा है काकुरी का, वहां पहुंचे थे और जो कोरोना जांच चल रही थी उसका पूरा उन्होंने मुआयना किया। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी दिशा में जो है लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही वजह है कि जिला प्रशासन और जो पुलिस कमिश्नरेट है उसकी तरफ से लखनऊ में धारा 144 भी लगाई गई है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े और लोगों को बचाया जा सके, यही वजह है कि धारा 144 के तहत नियम लागू कर दिए गए हैं। और यदि
आधी रात में जो है अब परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 100 की संख्या में ही लोग जो है शादी समारोह या अन्य आयोजनों में जो है शामिल हो सकेंगे, और इसके लिए बाकायदा निगरानी के लिए पुलिस की टीमें भी बनाई गई हैं। तमाम जो मैरिज लॉन है, जो बैंक्वेट हैं, जो हॉल हैं, वहाँ पर पुलिस की टीमें स्थानीय लेवल पर जो है लगातार जांच करेंगी। जहाँ भी शादी समारोह होगा वहाँ पर पुलिस को देखना होगा कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 100 से अधिक संख्या तो नहीं है लोगों की, इसके अलावा मास्क का उपयोग किया गया नहीं किया गया, और यदि वहाँ पर लापरवाही दिखाई देती है तो वहाँ पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई है जो लगातार की जा रही है, और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जो मामले हैं लगातार कोरोना वायरस के वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से जिस तरह से जो है वेव जो है वो बढ़ रही है, तो उसको लेकर के जो तमाम जो टोल प्लाजा हैं जहाँ से ये आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली से होकर के आदमी जो है यूपी में दाखिल हो सकता है, तो वहाँ पर जो खास जो है स्वास्थ्य टीमें लगाई गई हैं, टेस्टिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, और जो सैंपलिंग है उसको जांच के लिए भेजा गया है। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है बचाया जा सके। लोगों की जान भी चली गई है, और इसलिए लखनऊ को सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका माना गया है, शहर माना गया है। फिलहाल अभी हम दानिश के पास एक बार फिर से चलना चाहेंगे। दानिश, प्रशासन वहां पर मुस्तैद हो चुका है कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन क्या लोग अवेयर हैं वहां पर? क्या लोगों पर असर दिख रहा है इन आदेशों का? लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते दिख रहे हैं आपको? देखिए, भारत समाचार लगातार इस बात को कहता रहा है कि हाँ, प्रशासन और सरकार जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो अपने तरीके हैं, उन उससे कोविड से निपटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें जो लड़ाई है वो अहम योगदान है आम आदमी का। आम आदमी को योगदान देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं अभी दिखता नजर नहीं आ रहा है। बाजार आज भी यहाँ पर ऐसे बड़े बाजार हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए वो नहीं करता, आम आदमी मास्क नहीं लगाता, आम आदमी जो उपयोग करना चाहिए वो नहीं करता, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई है। पीएम भी इस बात को कह चुके हैं कि जो बिल्कुल दानिश, बड़ी लड़ाई को साथ मिलकर ही लड़ना होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। लोहिया संस्थान में एमआरआई और डिजिटल एक्सरे ठप हो चुका है। एसी खराब होने की वजह से एमआरआई एक्सरे ठप है। लोहिया संस्थान में सुविधाएं 3 अक्टूबर से ठप है, और निजी डायग्नोसिस सेंटर से करानी पड़ रही है लोगों को जांच। चिकित्सा अधीक्षक ने निदेशक को पत्र लिखा है, पत्र लिखकर जल्द इसे ठीक कराने की मांग की गई है, और इसी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। यहाँ पर निजी डायग्नोसिस सेंटर से लोगों को अपनी जांच करानी पड़ रही है। जल्द निदेशक को पत्र लिखकर कहा गया है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। चिकित्सा अधीक्षक ने ये पत्र लिखा है, पत्र लिखकर जल्द इसे ठीक कराने की मांग की गई है यहाँ पर लोहिया संस्थान में, क्योंकि MRI और डिजिटल एक्सरे ठप पड़ा।